हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम से मस्त होंगे। तो जन्माष्टमी का उत्सव आने वाला है और मैं आपको फुल एनर्जी के साथ दिखूंगी, बिना रुके और बिना थके। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपने कान्हा जी का सिंहासन रेडी, सिंहासन बोले तो उनकी चौकी रेडी कर रही हूँ। और मैंने एक रिंग बनाया है तारों का, उसके ऊपर ये फूल मालाओं की लड़ी है, आर्टिफिशियल फूलों की लड़ी है, उसको मैं लपेट रही हूँ। आप चाहें तो मतलब ताजी फूलों की लड़ी मतलब लपेट सकते हैं। इस तरीके से मैंने ये बना दिया है। और यहाँ पे ये कुछ इस तरीके की एक लड़ी थी मेरे पास, जिसमें कि मेरे रिंग वाले लगे हुए थे, तो मैंने ये बना दिया है इनका चौकी। तो ये रेडी कर दिया है, ये कल के लिए सारे काम मैंने रेडी कर दिया एंड लाइटिंग भी कर दी है अपने मंदिर पर। तो बस ये जो काम होते हैं ना, ये सुबह सुबह नहीं हो सकते। सुबह सुबह हमारा जो मेन वो होती है सजावट, वो करेंगे, प्लस कान्हा जी को नहलाएंगे, स्नान कराएंगे, तो बहुत सारे काम हो जाएंगे। एंड ये है कान्हा जी के जन्मदिन वाला दिन। तो ये इस तरीके से मेरा सज चुका है मंदिर और सिंहासन रेडी है। तो मैं बस आपको दिखा दिया है मंदिर को इस तरीके से, और अभी मैं नहाने के लिए जा रही हूँ। ये देखिए चौकी भी रेडी है और यहाँ पे भगवान जी के कपड़े भी। तो आज मैंने पहनी है येलो येलो साड़ी, कान्हा जी का प्रिय कलर है येलो। और यहाँ पे मैं सबसे पहले अपने ब्रास वाले एंड पीतल के और तांबे वाले बर्तन लेके आई हूँ, इनको मैं साफ़ कर रही हूँ। वैसे तो मैं डेली साफ़ करती हूँ, आज ना कुछ एक्स्ट्रा हो जाते हैं, तो उन्हीं को साफ़ कर रही हूँ, चमका रही हूँ। और आज का दिन आप मुझे फुल 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 एनर्जी के साथ पाएंगे, क्योंकि ये मेरा फेवरेट त्यौहारों में से एक है। माने तो सबसे फेवरेट त्यौहार भी मेरा यही है। तो चलिए, सारे चमक चुके हैं बर्तन, और ये निकाला है मैंने चौकी के लिए कपड़ा, जो कि मैंने पिछले ब्लॉग में आपको दिखाया था, सिलाई की थी। तो ये है मैजेंटा पिंक कलर। तो गाइज, आपने देखा होगा हमेशा मेरी चौकी का कपड़ा वो रेड और येलो ही हुआ करता है। तो इस बार मैंने सोचा थोड़ा सा अलग सा बनाया जाए, क्योंकि यही कपड़ा सारी पूजाओं में चलने वाला है। मेरा क्या होता है, मैं जन्माष्टमी को बनाती हूँ चौकी का नया कपड़ा, उसके बाद जो सारे त्यौहार होते हैं दीपावली तक, वो सब पे यही कपड़ा हमारा चल जाता है। तो इस बार ये फर्स्ट टाइम मेरा मैजेंटा पिंक का कपड़ा बना है। इस बार सोच रही थी कि मैं शैनील में बनाऊँ, लेकिन मिला नहीं, तो फिर मैंने यही वाले कपड़े का बना दिया। और इसमें ना बहुत शाइनिंग है, तो चौकी के लिए अलग से बनाया था, तो मैंने चौकी पर बिछा दिया है। और ये चौकी मैंने कल ही तैयार कर दी थी, और यहाँ पे कपड़ा बिछ चुका है। और अब सारे भगवान जी को हम यहाँ पे सेट कर देते हैं। और आज तो कान्हा जी का बर्थडे है, तो स्पेशल चौकी कान्हा जी के लिए लग चुकी है। और यहाँ पे अब विराजमान कर देते हैं पहले इनका सिंहासन, और कान्हा जी के साइड में ही गणेश जी और गुरुदेव जी को भी मैंने लगा दिया है। अब सिंहासन को मैंने साफ़ कर ही दिया है, यहाँ सिंहासन के लिए मैंने अलग से वही मैचिंग का कपड़ा बनाया था, तो उसको भी बिछा दिया है। और तुलसी का गमला ले आई हूँ मैं, तुलसी का ना छोटा सा मटकी टाइप होती है करवा चौथ की, तो मम्मी ने उसमें ही तुलसी के बीज डाल दिए होंगे, तो वो आ चुके हैं, तो यहाँ पे जगह भी नहीं घेरे। और ये है मेरी पिछले साल की मटकी, जिसको मैंने पिछले जन्माष्टमी पर डेकोरेट किया था, तो इसको भी यहाँ टांग देते हैं। जो हमारे पर्दे के पाइप्स हैं ना, उसमें मैंने टांग दिया है। इसमें मैंने कॉटन भर दी थी, जो कि एक माखन वाली लुक दे हमारे लिए, तो कितनी सुंदर लग रही है ना मटकी भी। और चलिए, अब सब कुछ सेट हो गया है, और साइड में मैंने वो जो कान्हा जी का पेंटिंग किया था ना मटकी पे, वो लगा दिया आर्टिफिशियल फ्लावर के साथ में इधर साइड, और राइट साइड पे तुलसी जी का गमला हो चुका है। एंड सारे बर्तन पोशाक ये सब ला के रख दिए हैं। और ये देखिए, ये एक सुबह की है, एक शाम के स्नान के दो पोशाक हैं, और ये इस तरीके का सारा सामान हम ला चुके हैं। ये कुंडल है, और ये इस बार भगवान जी के हमने बर्तन भी खरीदे हैं, जो कि स्पेशल से इनके लिए हैं। और ये है कान्हा जी के बर्थडे का गिफ्ट, तो इसको हम रात को खोलने वाले हैं। और ये सब चीज़ें इस बार की नई शॉपिंग की हमने कान्हा जी के लिए। तो चलिए, अब कान्हा जी के स्नान की बारी है। मैंने एक थाल में पंचामृत का सारा सामान बना लिया है, गंगा जल, तुलसी पत्र, दूध, दही, घी, शहद, ये सब रख लिया है। और इन्हीं सब मैं कान्हा जी का स्नान कराने वाली हूँ, और ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करने वाली हूँ। तो कान्हा जी नहा चुके हैं, और अब इनको मैं अच्छे से पोंछ देती हूँ, क्योंकि पंचामृत थोड़ा वो होता है और चिकना होता है, थोड़े जाते हैं उससे, तो मैं अच्छे से पोंछ दिया है। इनको मैजेंटा पिंक कलर की ड्रेस पहनाई है, जो दूसरी वाली ड्रेस है ना, वो और खूबसूरत है, वो लाइट पिंक है। तो यहाँ पे आज सभी चीज़ें कान्हा जी की नई हैं, और पगड़ी ना थोड़ी सी बड़ी आ गई थी, तो मैंने इसको अभी लगा दिया, बाकी को इसका चेंज करा के मैंने शाम को दूसरी वाली पगड़ी मंगाई थी। तो बस कान्हा जी रेडी हो चुके हैं, अब इनको इनके सिंहासन पर विराजमान कर देते हैं। तो कान्हा जी बड़े हैप्पी हैं, आज तो इनके भाव हैं, इनका दिन है, तो ये बड़े बन ठन के इतरा के बैठे हैं हमारे कान्हा जी। इनको पूरा इनको फोकस मिल रहा है सबको, और बस नज़र ना लगे मेरे कान्हा जी को, तो मैंने इनकी बलाइयाँ भी ले ली है। तो चलिए, कान्हा जी रेडी हो चुके हैं, और इनको इत्र भी लगा दिया है,
थोड़ी खुशबू शुशबू भी आनी चाहिए ना, तो खुशबू भी आ चुकी है। और अब मम्मी ने पेड़े बना कर भेज दिए थे सुबह ही, क्योंकि कुछ मिठाई मम्मी ने रात में बना दी थी, पेड़े बना दिए थे रात में, तो मम्मी ने वो सुबह भेज दिए ताकि सबसे पहले भूख लग जाए। तो यहाँ पे थाली रेडी कर ली है अपने भगवान जी महाराज की, तिलक वगैरह लगा दिया है सभी को, और इसके बाद धूप दीप दिखाएंगे, थोड़ी सी माला करेंगे। तो इस तरीके की सुबह जो मेरी पूजा होती है ना, ऐसी होती है। और जो शाम का अभिषेक होता है उसे हमेशा कान्हा के पापा करते हैं, सुबह का जो स्नान होता है वो मैं करती हूँ, और दोनों टाइम ही हम ना पंचामृत से ही स्नान कराते हैं। तो यहाँ पे बस अब दीप प्रज्वलित कर देते हैं, धूप दीप दिखा देते हैं इनको, और फिर आप तो जानते हैं आज बहुत काम होने वाले हैं, कितना भी काम बढ़ा लो पर और कितना ही कम कर लो ये अपने बस में है। तो यहाँ पे सारी पूजा हो चुकी है, बस मैं थोड़ी सी माला वगैरह कर लूँ, उसके बाद खाने का देखना है क्योंकि बच्चे हमारे भटक रहे हैं। और अभी आपको बताऊँ ना, मेरे मंदिर में कुछ कमियाँ रह गई हैं, जैसे अभी बलून्स लगने हैं और थोड़ा अशोक के पत्ते हैं नीचे, तो उनकी भी लड़ियाँ बनाऊँगी। और ये देखिए मेरे भगवान जी के बर्तन कितने अच्छे लग रहे हैं ना, थोड़े डिज़ाइन के हैं, यूनिक से लग रहे हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं। कटिंग है इनके बाउल में, प्लेट में भी कटिंग है। तो मम्मी के लड्डू का भोग लगा दिया, एक कटोरी में लड्डू रख दिया, एक में मिसी रख दिया और एक में दूध रख दिया है। तो इससे मैं अभी कान्हा जी का भोग लगा देती हूँ। अब ये बर्थडे के दिन इतना थोड़ी ना कि जब तक हम रुके हैं, जब तक हम बनाए तो कान्हा जी रुके रहेंगे, जो बन गया उसी का भोग मैंने लगा दिया है। तो चलिए ये देखिए बस अब आरती वगैरह कर देते हैं, और बस ये हो चुकी है हमारी पूजा सुबह की, और अभी जाना है हमें किचन में। तो जी अभी बच्चे नहाते जा रहे हैं, पूजा करते जा रहे हैं, और यहाँ यूं भी पूजा कर रहे हैं कान्हा जी की, खुद को तिलक लगा रहे हैं, ताजी फूलों की माला भी आ चुकी है। और अभी मैं फ्राई कर रही हूँ आलू, तो देसी घी में जीरा डाला है, और इसमें मैंने हरी मिर्च, हरा धनिया और टमाटर का पेस्ट मिक्सर जार में पेस्ट बनाकर उसको उसमें आलू फ्राई किए हैं, और बहुत यम्मी लगे हैं। मतलब पहली बार मैंने ऐसे ट्राई किया तो बहुत यम्मी लगे, अब नेक्स्ट टाइम ऐसा ही करूँगी मैं पेस्ट बना के, क्योंकि बच्चे थोड़ा मोटा मोटा टमाटर खाते भी नहीं है, और ये ना ये वाली टेक्निक से अच्छे भी लगे, धनिया वगैरह मिक्स में मिक्सी में पीस के बनाए ना तो अच्छे लगे। तो ये टमाटर के साथ भी अच्छे लग रहे हैं, दही के साथ भी अच्छे लग रहे हैं। और अभी जो मैं कह रही थी ना बलून वाली से मेरी तैयारी रह गई, तो बस बलून वगैरह फुला दूँ। मुझे क्या है, जब तक मुझे एक कमी दिखती रहे ना तब तक मैं उसको पूरा अलग कर लूँ, तब तक मुझे चैन नहीं मिलता। तो यहाँ पे मैंने बलून्स वगैरह भी लगा दिए हैं, और कल वो गुरुवार था तो उसके कपड़े वगैरह बहुत पड़े हुए हैं। सारी पूजा वगैरह करने के बाद, मतलब सुबह की सारी पूजा तैयारी डेकोरेशन करने के बाद मैं जुट गई थी, मतलब खाना भी खिला दिया था, आलू फ्राई कर दिए थे चाय वगैरह दही वही से, एंड उसके बाद मैं जुट गई थी अपने कामों में, जो अपने डेली यूज़ के काम होते हैं, मतलब डेली बेसिस के, झाड़ू पोछा कपड़े, और कल गुरुवार थे तो कपड़े भी काफ़ी हो गए थे। बस अब भी फ्री हुई हूँ, बस अभी बालों को कॉम्ब किया है, एंड अब चलते हैं किचन में, और किचन में भी कुछ कान्हा जी का भोग प्रसाद बना लेते हैं। मम्मी जी ने सुबह पेड़े बना लिए थे, और उन्होंने मेवा पाक भी बना लिया है, तो बस दो चीज़ें बन चुकी हैं। और अभी मैं सोच रही हूँ कि मिल्क केक बना लेते हैं, जिससे कि शाम को कान्हा जी का उससे केक कटिंग करेंगे, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं बनाएंगे क्योंकि दो चीज़ें मम्मी बना चुकी हैं, लड्डू बना चुकी हैं और मेवा पाक बना चुकी हैं। तो चलिए किचन में देखते हैं क्या बनाते हैं। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने देखा मेरा कितना बिजी था सुबह से अभी तक का। तो सबसे पहले मैंने यहाँ साबुत कूटू लिया है, उसको मैंने आटा बनाना है, क्योंकि कभी भी बच्चे भूख, बच्चों के पापा भूख के लिए कह सकते हैं कि भूख लगी है, तो मैं तुरंत के तुरंत फिर वो पकौड़े शेक दूँ। इस वजह से मैंने यहाँ कूटू को मतलब थोड़ा सा धूप दिखा के रख दिया, धूप दिखाने रख दिया, उसके बाद मैं इसको आटा बना लूँगी। एंड मैंने सोचा थोड़ा सा वो रखा था मलाई, तो उसको मैं घी बना लेती हूँ, क्योंकि ताज़ी घी फिर अच्छे दीपक वगैरह में यूज़ हो जाएगा। तो यहाँ एक तरफ घी हमारा मेल्ट हो रहा है, मतलब बन रहा है, और एक तरफ मैंने कूटू को पीस लिया है, और इसका मैं आटा छान रही हूँ, क्योंकि दोपहर का टाइम है, सुबह के आलू खाए हुए हैं तो सबको भूख लगनी है, तो एकदम नेचुरल सी बात है। तो तुरंत के फिर मैं ना पकौड़ी बना दूंगी कूटू की, और कूटू थोड़ा ज़्यादा सा मतलब जो भी था सारा पीस लिया, क्योंकि शाम को ना हमारे यहाँ मतलब मेरे जो ससुराल में यहाँ पे वो खाते हैं पूरी कचौड़ी सब्जी, लेकिन मैंने अपने मायके में कभी नहीं खाया ऐसा अन्न का खाना। हमारे यहाँ फलारी करते हैं रात को भी, चांद को जल देने के बाद, तो मैं फलारी खाती हूँ, तो वो शाम को मैं अपने लिए पकौड़ियाँ बना लूँगी। तो यहाँ पर मेरा घी हो चुका है, तो एक जो भगवान जी का टिफिन का घी है वो भगवान जी के यहाँ रख दूँगी, बाकी का ये एक्स्ट्रा घी होता है इसे मैं व्रत में ही लेती हूँ, तो ये भी हमारा व्रत में काम आ जाएगा।
और यहाँ पे है खरबूजे के बीज, तो इनको मैं घी में रोस्ट कर लेती हूँ। और घी का ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, शाम को खीर बनाएंगे भगवान जी की भोग के लिए, तो तब भी हमें ये खजूर खरबूजे के बीज यूज़ हो जाएंगे। एंड जो वो बनाएंगे ना कान्हा जी का मिल्क केक, तो उसमें भी यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने दूध गाढ़ा करके रख लिया था, मतलब थोड़ा थोड़ा दूध बचा के इतना मावा कर लिया था ताकि मैं मिल्क केक बना सकूँ कान्हा जी के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा मेल्टेड रखा था मैंने दूध को, मतलब रबड़ी वाली फॉर्म में रखा था दूध को। तो इसमें ना मैं अब डालूँगी थोड़ा सा नींबू का रस, जिससे कि जो हमारा ये दूध है ना, तो इसमें दाने दाने बन जाएँ, थोड़ा सा फट सा जाएगा ना, तो वो दाने दाने बन जाते हैं, तो वो दर दरा सा मिल्क केक बन जाएगा। तो एक साइड में यहाँ पे जो हमारे नारियल का है ना, उसको मैंने यहाँ पे भून रही हूँ घी में, देसी घी में। और दूसरी साइड मेरा जो ये मावा है, इसमें मैंने नींबू डाल के इसको मैंने कर लिया है, मतलब जिससे कि दाना बन जाए। एंड इसमें डाला लगभग 4 या 5 चम्मच चीनी, हल्का मीठा ही रखेंगे क्योंकि ज़्यादा मावा नहीं है। तो बस ये हो रहा है। और उधर हमारे वो नारियल का जो मैंने ग्रेट किया था नारियल को, वो वहाँ पे घी में फ्राई हो रहा है। कुछ बादाम भी रखे थे तो मैंने उनको भी फ्राई कर लिया है। तो बस यहाँ पे थोड़ी सी इलायची कूट लेते हैं, इलायची तो अच्छी लगती है, सभी में खुशबू आई जाती है। और ये देखिए थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होने लग गया है, और अभी चीनी ने थोड़ा सा अपना पानी छोड़ा है, लेकिन जब तक ये गाढ़ा होगा तब तक अच्छे से खूब दानेदार हो जाएगा। तो चलिए दोनों चीज़ों को बनने देते हैं, इसको भी गाढ़ा होने देते हैं। और ये है मेरा केक टीन, इसमें मैं अक्सर मलाई रख देती हूँ जब मलाई खट्टी होती है। तो अभी घी निकाला है, तो ये हमारा मतलब खाली हो चुका है, तो इसी में ना हम अपना केक का जो ये बैटर है इसको पलट लेते हैं, जिससे कि वो एक गोल शेप में अच्छे से जम जाए मिल्क केक हमारा। तो ये देखिए खूब अच्छे से सारा जो इसका हम जो चीनी का पानी था, दूध था, सब सूख चुका है, ये अच्छे से खूब कढ़ाई को छोड़ रहा है। अब ना इसको मैं इसमें पलट लूँगी जो केक टीन है हमारा, इसमें फिर अच्छे से इसको दबा के कर दूंगी, दबा दबा के। तो एक गोल सी शेप का मिल्क केक हमें शाम को मिलने वाला है, और फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, ये अच्छे से इतना अच्छा हमने मैंने भून लिया है कि ये रूम टेम्परेचर पे ही अच्छे से जम जाएगा। बहुत यम्मी लगा है ये, मतलब जितनी भी घर में 4-5 मिठाई बनी थी ना, उन सब के आगे कान्हा जी केक की ना एक अलग ही टेस्ट था, सब ने इतना खाया। मतलब कान्हा के पापा जो कभी मीठा नहीं खाते, उन्होंने भी इतना खाया, बहुत खाया। मतलब कहते हैं ना, कान्हा जी का जहाँ नाम आ जाए, जहाँ भी भोग प्रसाद का नाम आ जाए कि ये भगवान के नाम का भोग प्रसाद है, तो उसमें स्वतः ही भगवान जी अपना कहते हैं ना, अपना अलग ही टेस्ट छोड़ देते हैं। तो सच में ही इतना कम बनाया था, मतलब सारी जितनी भी मिठाइयाँ थी ना, उनमें सबसे कम हमारा केक ही था, और केक भी इतना यम्मी बना था। तो चलिए केक बन चुका है, और अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। ये ब्लॉग हुआ है काफ़ी